तो गाइस अब कुछ घंटों में शुरू होने वाला है WWE का प्रीमियम लाइव इवेंट नाइट ऑफ चैंपियंस। ये होने वाला है जेड्डा सऊदी अरेबिया में। इस वीडियो में लेकर आए हैं इशो की लास्ट मिनट न्यूज प्रेडिक्शन, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो इशो को ओपन करने वाला है इनॉग्रल वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए ये सिंगल्स मैच सेथ फ्रीकिन रॉलिंस वर्सेस द फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स। और इस मैच को जीतने वाला सुपरस्टार बनने वाला है फर्स्ट एवर वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और इस मैच के अंदर की बात करें तो हाईली फेवरेट हैं सेथ रॉलिंस इस मैच को जीतने के लिए, और मेरे हिसाब से ही वही इस मैच को जीतकर बनने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और नेक्स्ट मैच है स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। यहाँ पर द एरेडिकेटर रिया रिपली अपना टाइटल डिफेंड करने वाली है अगेंस्ट नतालिया। इस मैच के अंदर की बात करें तो इसमें टाइटल चेंज का बिल्कुल भी चांस नहीं है, और इस मैच को जीतकर रिया रिपली अपना टाइटल सक्सेसफुली रिटेन कर लेंगी। नेक्स्ट मैच होने वाला है इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। द रिंग जनरल गुंथर अपना टाइटल डिफेंड करेंगे अगेंस्ट मुस्तफ़ा अली। इस मैच में टाइटल चेंज का कम चांस है, लेकिन फिर भी मुस्तफ़ा अली इस मैच को जीतकर न्यू इंटर कॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकते हैं, क्योंकि गुंथर फिलहाल मनी इन द बैंक जीतने के लिए फेवरेट है। लेकिन मैं पिक करूंगा गुंथर को ही कि वे इस मैच को जीतकर अपना टाइटल रिटेन कर लेंगे। और नेक्स्ट मैच है वुमेन्स डिवीजन से एक फर्स्ट टाइम एवर मैच, द मैन बेकी लिंच वर्सेस WWE हॉल ऑफ फेमर ट्रिश स्ट्रैटस। मेरे हिसाब से इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच हमें फ्यूचर में भी और मैचेस देखने को मिलने वाले हैं, तो शायद इस पहले मैच को ट्रिश स्ट्रैटस जीत सकती हैं। और नेक्स्ट मैच है बैकलैश एक रीमैच, द बीस्ट ब्रॉक लेसनर वर्सेस द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स। बैकलैश में तो कोडी रोड्स ने ब्रॉक लेसनर को हरा दिया था, लेकिन इस मैच में कोडी रोड्स इंजर्ड आर्म से कम्पीट करने वाले हैं, तो डेफिनेटली ही ब्रॉक लेसनर इस मैच को जीतने वाले हैं। और इसके अलावा फ्यूचर में हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच एक और मैच देखने को मिल सकता है जो इस राइवलरी का फिनाले होने वाला है। और अगला मैच होने वाला है रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। यह रेसलमेनिया से एक रीमैच है। द ईएसटी ऑफ WWE बियंका बेलेयर अपना टाइटल डिफेंड करने वाली है अगेंस्ट द एम्प्रेस ऑफ टुमारो आस्का। रेसलमेनिया में तो बियंका बेलेयर ने आस्का को हरा दिया था, लेकिन इस मैच में मेरे हिसाब से फाइनली आस्का बियंका बेलेयर के लॉन्गेस्ट रनिंग रॉ वुमेन्स चैंपियन रेन को तोड़ने वाली है, और वो बनने वाली है न्यू रॉ वुमेन्स चैंपियन। और इसके बाद होने वाला है इशो का मेन इवेंट अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए। यहाँ पर सोलो सिकोवा एंड द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस चैलेंज करेंगे द करंट अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को। इस मैच में डेफिनेटली ही द उसोस इंटरफेयर करने वाले हैं, और उनके इंटरफेयर की वजह से ही रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा इस मैच को हारने वाले हैं, और सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस अपना टाइटल्स रिटेन कर लेंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।